To my YouTube channel. Today we will discuss what is PCR. PCR is a polymerase chain reaction. मतलब कि ये एक जैसे एक चेन होता है उसमें आगे से आगे बंधा होता है, बढ़ता जाता है, वैसे ही एक रिएक्शन है जो कि बढ़ती जाती है. एंड इट इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाई एंजाइम कॉल्ड पॉलीमरेज. मतलब पॉलीमरेज एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है. तो PCR क्या है? PCR को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA इन विट्रो. मतलब कि इट इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक जो कि जिसका बेसिक जो काम है वो है DNA का इन विट्रो, दैट इज़ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब वी आर एम्प्लीफाइंग. एम्प्लीफाइंग मतलब क्या है? बढ़ाना, इंक्रीज करना, वैसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन. हम DNA को एम्प्लीफाई कर रहे हैं. देन ये जो हमारा PCR टेक्निक है, दिस टेक्निक हैज़ ब्रॉट अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी. हमारा जो मॉलिकुलर बायोलॉजी का फील्ड है इसमें हमारे जितने भी मॉलिकुलर मार्कर हैं, बहुत से टेक्निक्स हैं जिसमें हमने PCR को बहुत यूज़ किया है. तो एक तरह से इस टेक्निक ने जब इसके 1983 में जब इसका डेवलप किया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी म्यूलस ने, तो उसके बाद जब ये 1985 तक जब ये फेमस हुआ धीमे धीमे, तो इसका जो प्रयोग है, इसका जो यूज है वो ऑलमोस्ट हर टेक्निक जो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक है उसमें यूज होने लगा. फॉर एग्जांपल, इसके पहले जो है नॉन PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक्स थी, एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल सिंपल सीक्वेंस SSR, देन योर रैंडमली एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, ये जो टेक्निक्स हैं इन्होंने एनालिसिस मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स का, मॉलिक्यूलर जो चीज़ें हम करते हैं लैब में, मॉलिक्यूलर बेस्ड जो हमारे काम होते हैं उसका एनालिसिस करना बहुत ईजी कर दिया PCR ने. उसे कैरी आउट करना, मतलब जो काम में बहुत पैसे और टाइम लगते हैं, और वो काम PCR टेक्निक के आने से बहुत ही आसानी से होने लगा. और ये टेक्निक इतनी मतलब स्किल बेस्ड भी नहीं है, इसे आराम से हम सीख के आराम से अपने लैब में कैरी आउट कर सकते हैं. इसका मेन जो काम है, इट इज़ यूज टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ DNA और अ जीन. मतलब छोटे से DNA या छोटे से जीन को आप बहुत सी कॉपीज विथ इन अ आवर यू कैन मेक. मतलब विथ इन अ सेकेंड इट एम्प्लीफाइज, एंड विथ इन आवर यू कैन मेक अ बिलियन कॉपीज ऑफ द टारगेट सीक्वेंस. जो भी DNA सीक्वेंस आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो उसका विथ इन आवर आप बिलियन कॉपीज बना सकते हो. तो ये हो गया मेन जो हमारा PCR है टेक्निक, उसका क्या, इसका मेन पर्पस क्या है. अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स जो PCR में यूज़ करते हो. मेजर कंपोनेंट इसके चार हैं. एक तो आपको क्या चाहिए, टेम्पलेट DNA चाहिए. दूसरा चाहिए हमको आपको प्राइमर चाहिए, देन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड DNTP चाहिए, देन पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए. तो फर्स्ट क्या है, DNA टेम्पलेट. DNA टेम्पलेट मतलब वो टेम्पलेट जो DNA होता है उसमें आपका टारगेट DNA होता है जिसे आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो. मतलब सैम्पल DNA दैट कंटेन्स द टारगेट सीक्वेंस विच यू वॉन्ट टू एम्प्लीफाई वाया PCR. राइट. तो टेम्पलेट DNA क्या है, सैम्पल DNA जो आपको, जिसमें आपका टारगेट, मतलब जो आपको जिसे एम्प्लीफाई करना है वो उसमें है सीक्वेंस, उसे आपको एम्प्लीफाई करना है. एक्चुअली DNA है क्या, सीक्वेंस ही तो है ना. इट इज़ अ डी ऑक्सी जो आपका न्यूक्लियो DNTPs हैं उनके सीक्वेंस है. ATGC, इट इज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस सिग्निफाइज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और ह्यूमन बींग और अ डॉग और अ कैट. एक्चुअली तो हमारा पूरा जो सिस्टम है क्या है, ये सीक्वेंस है, DNTP का सीक्वेंस है. और यही पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होता है वो पर्टिकुलर आदमी का सिग्नेचर होता है, उसी से हम पता करते हैं कि वो क्या है उसकी पेरेंटिंग. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज DNA पॉलीमरेज. व्हाट इज DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज देखिए, जहाँ पे ASE लग जाता है वो क्या है, एंजाइम है. तो पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम है. पॉलीमर्स क्या होते हैं, ढेर सारे मर्स. मर्स मतलब होते हैं जब आपके बॉन्डिंग्स होती हैं उसे हम मर्स वहाँ पे हम टर्म लगा देते हैं. जैसे डाइमर, ट्राइमर, तीन बॉन्ड, दो बॉन्ड, या दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें, मर हो जाता है. पॉली मतलब बहुत हो गया. तो पॉलीमरेज मतलब ऐसा एंजाइम जो पॉलीमर्स को जोड़ेगा. एंड सिंस इट इज़
इट इज़ यूज फॉर डीएनए पॉलीमराइजेशन, दैट्स वाई द एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज. तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस. मतलब आपका जो डीएनए टेम्पलेट है, उस डीएनए टेम्पलेट में टारगेट सीक्वेंस है, उस टारगेट सीक्वेंस का आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना है, ठीक है. एंड इट इज कैटलाइज विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. मतलब काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारा होता है वही सेम यहाँ पे प्रिंसिपल है. जैसे वो सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनती रहती हैं, अलग होता है फिर बनती रहती हैं, वैसे ही सेम ये पॉलीमराइजेशन होता है इसका, इन विट्रो पॉलीमराइजेशन. द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम इज टैग पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज. सबसे पहला एंजाइम जो हमने पीसीआर में यूज़ किया था एज अ डीएनए पॉलीमरेज, इट वॉज टैग डीएनए पॉलीमरेज. व्हाट इज टैग? टैग मतलब टी फॉर थर्मस, ए क्यू मतलब एक्वाटिकस. मतलब ये टैग है, ये थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट किया गया है, दैट्स वाई इट इज अ टैग डीएनए पॉलीमरेज. एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी एंजाइम हम इसमें यूज़ करते हैं पीसीआर में, वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से होना चाहिए, क्योंकि जो डीएनए का डीनेचुरेशन होता है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है. तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो जो भी हमारा एंजाइम होना चाहिए वो हाई टेम्परेचर को बियर करने वाला होना चाहिए. तो दिस एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, दैट इज़ हीट लविंग बैक्टीरिया. तो पहला हमारा टैग डीएनए हो गया. एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड करेंटली वी आर यूजिंग इन लैबोरेटरीज पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज. व्हाट इज पीएफयू? पी फॉर पायरोकोकस एंड एफ फॉर फ्यूरियोसस. तो पायरोकोकस फ्यूरियोसस जो कि करंटली हम इसे यूज़ करें, वाई? बिकॉज इसकी जो प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग एबिलिटीज की बहुत ज़्यादा है. प्रूफ रीडिंग मतलब क्या होता है? प्रूफ रीडिंग मतलब होता है जब अपना कोई काम हम करते हैं, अगेन रिटर्न होकर उसे हम प्रूफ रीड करते हैं कि उसमें एरर कितना है. तो जो पी एफ यू डी एन ए पॉलीमरेज है, इसकी प्रूफ रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, दैट्स वाई वी आर करंटली यूजिंग. द थर्ड कंपोनेंट इज प्राइमर. व्हाट इज प्राइमर? प्राइमर्स आर शॉर्ट पीसेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डी एन ए दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस. अभी हमें एम्पलीफाई किसे करना है? टारगेट सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है. टारगेट सीक्वेंस विच इज़ प्रेजेंट इन टेम्पलेट डीएनए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स होंगी, उसका मतलब जो उसके 3-5 एंड्स होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें सीक्वेंस चाहिए. तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द एंड्स ऑफ द टारगेट सीक्वेंस आर कॉल्ड प्राइमर्स. ये प्राइमर्स क्या करेंगे? ये प्राइमर्स जाके उसके एंड में, उसके अंत में, मतलब 3-5 एंड में जाके एनील कर जाए, सॉरी 3- एंड में एनील करेंगे, नॉट 5-. ऑलवेज सिंथेसाइसिस बिगिंस फ्रॉम द 3- एंड, बिकॉज 3- एंड में फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और 5- एंड में फॉस्फोरस ग्रुप होता है. तो जो रिएक्शंस होती हैं वो जो फ्री 3- हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैरी आउट करता है. दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, रेप्लिकेशन हो, इट ऑलवेज अकर इन 5-3- डायरेक्शन, नॉट 3-5 डायरेक्शन. ये क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है. तो इट ऑलवेज अकर इन 5-3 डायरेक्शन. तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? अभी आपका जो प्राइमर क्या करेगा? प्राइमर जाके कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो जाके उसके 3- एंड में एनील करेगा टारगेट सीक्वेंस को, के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को, और पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ से सिंथेसाइजिंग शुरू बनाना शुरू करेगा. तो तीन कंपोनेंट हो गए. चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड. सिंस ये डीएनए हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड और डीएनटीपी? एक्चुअली इट इज अ मोनोमर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड और वी कैन सी द डीएनए. डीएनए का मोनोमर या सिंगल कंपोनेंट क्या है? डीएनटीपी है. आरएनए का एनटीपी होगा. तो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, ATGC. तो ये जो सिंगल यूनिट ऑफ बेसिस हैं, दीज आर एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द न्यू डीएनए स्ट्रैंड. तो ये आपका मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि इसमें मोनोमर है, इसका जुड़ता जाएगा और ये बनता जाएगा. तो चौथा हमारा कंपोनेंट हो गया डीएनटीपी. तो ये हो गया इसके चार कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज द डीएनए टेम्पलेट विच कंटेन द टारगेट सीक्वेंस विच यू वॉन्ट टू एम्पलीफाई. सेकेंड इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि कैटलाइज करेगा ओवरऑल रिएक्शन. थर्ड इज प्राइमर. फोर्थ इज न्यूक्लियोटाइड. अब ये होता कैसे है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पीसीआर?
अब एक्चुअल में हम पीसीआर में करते क्या हैं, व्हाट वी वांट वी आर डूइंग हियर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए विच इज़ अचीव्ड बाय अ रिपीटेटिव सीरीज ऑफ साइकिल इन्वॉल्विंग थ्री स्टेप्स। तीन स्टेप्स हैं जो रिपीटेटिव सीरीज में ये पूरे होती हैं। तो तीन स्टेप्स क्या हैं, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनीलिंग, तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। फर्स्ट क्या है, डीनेचुरेशन। व्हाट इज डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन होता है नेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको अलग होना, उसका नेटिव किसी भी चीज़ बायोमोलिक्यूल का, जब जैसे प्रोटीन हो या डीएनए हो या एंजाइम हो, उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसे कहते हैं डीनेचर हो गया। तो डीनेचर डीएनए हेलिक्स कैसे होगा, डीएनए हेलिक्स का जो डबल स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि किसी भी इंसान का, किसी भी बायोमोलिक्यूल का अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तो उसका मेजर जो फंक्शन है, मेजर रोल है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डीनेचुरेशन कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को नहीं ख़राब करता है। तो डीएनए का डीनेचुरेशन में जो उसका डबल हेलिक्स है वो सेपरेट हो जाएगा। इट अकर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस। तो पहला जो स्टेप पीसीआर में होता है उसमें जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो कंप्लीट डीएनए होल स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं, दैट अकर्स फॉर 5 मिनट, 5 to 7 मिनट ऐसे होता है। लेकिन बाद में जब हम रिपीटेटिव साइकिल्स में बार बार करते हैं तो बस 1 मिनट के लिए डीनेचर करते हैं। जब तीन स्टेप्स बार बार रिपीट करते हैं घंटों के लिए, जो हम साइकिल फिट करते हैं, तो उसमें 1 मिनट के लिए होता है। तो पहला डीनेचुरेशन हो गया जिसमें आपने डीएनए हेलिक्स को अलग कर दिया। फर्स्ट स्टेप में 5 मिनट होगा, सब्सिक्वेंट साइकिल में 1 मिनट होगा। ये दूसरा है एनीलिंग। एनीलिंग मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना मतलब कौन जुड़ रहा है, प्राइमर। प्राइमर आके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो एंड सीक्वेंस है 3' एंड पे आके जुड़ रहा है। और ये एनीलिंग होती है बहुत लो टेम्परेचर पे, 40 से 60 एवरेज होता है एक्चुअली। ये कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ प्राइमर, वहाँ से कैलकुलेट करते हैं उसका एनीलिंग टेम्परेचर कितना होगा। अगर ओके, डीप में है उसके आगे, तो अभी हम ऊपर ही देखेंगे क्या है। तो हाँ, फिर हमारा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर वहाँ पे अनील हो गया। ये यूजुअली 1 मिनट का होता है इसका टाइम। देन अनीलिंग के बाद तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है बढ़ना। इट अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस, जिसपे जो आपका इस टेम्परेचर पे जो हमारा पॉलीमरीज एंजाइम है, ये पॉलीमरीज एंजाइम नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। प्राइमर आके जुड़ गए, अब वो प्राइमर जुड़ गया, अब उसमें नए नए डीएनटीपी जुड़ते जाएंगे। डीएनटीपी इसका कंपोनेंट था ना, उस वो डीएनटीपी आके जुड़ते जाएंगे एंड इट विल कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पॉलीमरेज। तो किस एनीलिंग होती है 72 डिग्री सेल्सियस पे, और प्राइमर सिंथेसिस कहाँ हो रही है, 3' हाइड्रोक्सिल फ्री एंड पे, और 3' डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, इन द सेम वे द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑल्सो अकर्स विल अकर इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ठीक है, तो ये हो गया है पूरा आपका एक्सटेंशन स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आपका आप ये तीन स्टेप्स को फिट कर दोगे, सम फॉर 30 साइकिल 40 साइकिल लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट दिस कंप्लीशन ऑफ दिस 30 साइकिल 40 साइकिल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 की पावर n टाइम्स रेप्लिकेशन हो जाएंगे। मतलब 2 की पावर n टाइम्स मीन्स अगर साइकिल आपकी 30 है 40 है तो 2 की पावर 30 टाइम्स आपका डीएनए एम्प्लीफाई हो गया एट द एंड ऑफ द साइकिल। तो एट द एंड ऑफ साइकिल अगर n साइकिल है तो 2 की पावर n कॉपीज आपको मिल गए। मेजर इसका एप्लीकेशन क्या है डीएनए का, मेजर पहला एप्लीकेशन है डीएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, जेरोक्स कॉपी बनाना। देन नेक्स्ट है आपकी डीएनए बेस्ड फाइलोजेनेटिक स्टडीज, देन जीन की फंक्शनल एनालिसिस करना, हेरिडिटरी डिजीज की डायग्नोसिस करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंट विच इज़ यूज इन फॉरेंसिक एंड पैटर्निटी स्टडी, देन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, देन टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हर एक पॉइंट्स में इसके आप डीप में जाओगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, इसे बस आप ऊपरी देख लो कि हाँ इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस, मेजर लिमिटेशन इसकी ये है कि आप अननोन जो टारगेट सीक्वेंस है उसको ये एम्प्लीफाई नहीं करेगा, क्योंकि पीस जो प्राइमर्स होते हैं वो हमें डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए हमें टारगेट सीक्वेंस पता होना चाहिए। देन टारगेट सीक्वेंस का प्रायर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हमें चाहिए प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज में कुछ एरर्स भी होते हैं एंड जिससे कि हमारा पीसीआर प्रोडक्ट पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उस पर पूरा हम रिलाई नहीं कर सकते हैं।
एंड दिस होल टेक्निक इज़ वेरी सेंसिटिव टू कंटेमिनेशन. ये उसके कुछ लिमिटेशंस हो गए. एम्प्लीफिकेशन ये एप्लीकेशन हो गए, मेजर एप्लीकेशन इसका है डीएनए क्लोनिंग. दूसरा है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्निटी स्टडीज़ में, फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, कोई सब जगह यूज़ होता है ऑलमोस्ट. अभी आप कोरोना टाइम में हमने देखा कोविड की डिटेक्शन के लिए भी आरटीपीसीआर यूज़ हो रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर. तो ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये ऐसी एक मशीन होती है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की, थर्मो की अलग होगी, सिग्मा की अलग होगी, अपनी अलग अलग ये लोग कंपनीज अपनी अपनी मशीन लॉन्च करते हैं. इसमें प्रोग्राम सेट करके डाल दिया जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रन करता है एंड एट द एंड यू विल गेट अ 2 की पावर n टाइम्स ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट. थैंक यू.